हाय गाइस, नादिर सिद्दीकी यार आज की इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईफोन 8 प्लस के बारे में कि क्या आईफोन 8 प्लस 2021 में लेना वर्थ इट है या वेस्ट है। गाइस, यहां पर इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया है एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाला फ़ोन आपको सेकेंड हैंड लेना चाहिए, न्यू लेना चाहिए या सेकेंड हैंड का प्राइस कितना है, ये वाला फ़ोन मैंने कितने में लिया, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। मैं सेकेंड हैंड फ़ोन खुद खरीदता हूँ, उसके बाद उनको यूज़ करता हूँ, देन आपको इसका रिव्यू प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आईफोन 8 प्लस का लॉन्ग टर्म रिव्यू। आईफोन 8 प्लस को लेकर हम कुछ इन मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन पर मेनली हमने हमारी टेस्टिंग करी है। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस फर्स्ट। गाइज, यहाँ पे मैं बात करूँ आईफोन 8 प्लस के प्रोसेसर की तो आपको इसमें एप्पल की बायोनिक A11 चिप मिल जाती है जो कि सेम आपको आईफोन X में भी मिलती है। एंड यही मैं कंपेयर करूँ आईफोन 7 प्लस से तो आईफोन 8 प्लस में आपको 2 हाई परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जो कि 25% फास्टर है आईफोन 7 प्लस से। एंड यहाँ पर आपको 4 हाई एफिशिएंसी कोर भी मिल जाते हैं जो कि 70% फास्टर है आईफोन 7 प्लस से। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, आईफोन 8 प्लस ज़्यादा स्मूथ चलता है कंपेयर टू आईफोन 7 प्लस। गाइज, यहाँ पर रैम की बात करूँ तो आपको 3 GB की रैम मिल जाती है, मल्टीटास्किंग एकदम मक्खन होती है, आपको कोई भी ऐसा मेजर इशू इसमें देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB, 128 GB एंड 256 GB वाले वेरिएंट आपको 8 प्लस में मिल जाते हैं। आई सजेस्ट कि आप 256 GB वाला वेरिएंट लें क्योंकि जो सेकेंड हैंड प्राइस आती है 64 GB एंड 256 GB की तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा फ़ोन कितने GB है एंड मैंने ये वाला फ़ोन कितने का लिया, तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। गाइज, यही मैं बात करूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑन टू बेंचमार्क स्कोर टेस्ट करे थे, आप देख सकते हैं। इन पर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मक्खन चलता है। A11 बायोनिक चिप स्टिल पावरफुल है 2021 में, आपको कोई भी ऐसी मेजर दिक्कत देखने को इसमें नहीं मिलेगी। मुझे इसे यूज़ करते हुए काफ़ी दिन हो गए, आई डिडंट फाइंड एनी मेजर इशू इन द फ़ोन। अपडेट्स की बात करें तो iOS 14 करंटली रन कर रहा है एंड आपको इसमें iOS 15 भी मिलेगा। गाइज, यहाँ पर मल्टीटास्किंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको इसमें मल्टीटास्किंग देखने को मिल जाएगी। 3 GB की रैम मिलती है आपको जो कि सेम मेरे iPad mini 5 में भी है। एंड यहाँ पर जो एप्पल की रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप 7 to 8 एप्स आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको रिलोडिंग का इश्यू इसमें देखने को नहीं मिलेगा। गाइज, यहाँ पर आईफोन 8 प्लस में आपको न्यूरल इंजन भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी हद तक आईफोन 8 प्लस की जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करता है। न्यूरल इंजन बैकग्राउंड में बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलाता है जिसके कारण आपको कैमरा के अंदर जो रिजल्ट मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं। अभी कैमरा का सेक्शन आएगा, आप वहाँ पर फोटोज़ देखिएगा, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट उसमें देखने को मिल गए हैं। गाइज, यही मैं बात करूँ आईफोन 7 प्लस की तो आईफोन 7 प्लस में अगर 7 से 8 एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में रन करते हैं तो 1-2 एप्लीकेशन रिलोड उसमें हो जाती है। एंड यहाँ पर अगर आप आईफोन 7 प्लस में विडजेट लगाते हैं तो यहाँ पर फ़ोन अटकने लगता है, लेकिन आईफोन 8 प्लस में आपको ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। 7 से 8 एप्लीकेशन आराम से मल्टीटास्किंग में सर्वाइव कर लेंगी। एंड यही मैं बात करूँ अगर आप विडजेट लगाते हैं तब भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मक्खन चलता है। गाइज, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं आईफोन 8 प्लस की बैटरी के बारे में जो कि है 2691 mAh की, जो कि नंबर के मामले में बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं कंपेयर करूं आईफोन 7 प्लस से तो 2900 mAh की बैटरी आपको आईफोन 7 प्लस में देखने को मिल जाती है जो कि आईफोन 8 प्लस से भी ज़्यादा है। लेकिन आईफोन 8 प्लस का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है जिसके कारण आईफोन 8 प्लस की बैटरी आईफोन 7 प्लस से ज़्यादा चलती है। मैं ड्रेनिंग टाइम की बात करूं तो आईफोन 8 प्लस फुल चार्ज होने के बाद 4 hours 41 minutes and 32 seconds में पूरा ड्रेन हो जाता है। यही मैं बात करूं आईफोन 7 प्लस की तो आईफोन 7 प्लस 4 hours 31 minutes and 20 seconds में पूरा ड्रेन हो जाता है। अगर गाइस कोई नॉर्मल यूज़र होगा तो अगर वो इन नंबर्स को देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि आईफोन 7 प्लस में ज़्यादा बैटरी है तो उसकी बैटरी ज़्यादा चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोसेसर अच्छा होने के कारण आईफोन 8 प्लस की बैटरी ज़्यादा चलती है। एंड गाइस, यही चीज़ें मैं आपको टेस्ट कर डिटेल में बताता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे डीप टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी यूज़फुल टिप्स मिलती रहे एंड आप जब भी फ्यूचर में फ़ोन लें तो उसमें आपको कोई चीट ना पाए। गाइज, अगर यही मैं बात करूं आईफोन 8 प्लस की चार्जिंग स्पीड के बारे में तो 5 वॉट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाता है जो कि आईफोन 8 प्लस को फुल चार्ज करने में 2 घंटे 50 मिनट लेता है।
आईफोन 8 प्लस में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड देखने को मिल जाती है 15 वाट की। आई सजेस्ट कि आप 10 वाट या 12 वाट का जो आईपैड का चार्जर आता है आप उससे इस फ़ोन को चार्ज करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। अगर आप 10 वाट के चार्जर से इसको चार्ज करते हैं, जो कि मेरे आईपैड के साथ आया था, मैंने उससे चार्ज करके देखा था, तो गाइज़ यहाँ पर पूरे के पूरे 50 मिनट आपके बच जाएंगे। 2 घंटे में आपका पूरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा एंड 12 वाट से आपकी बैटरी को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि 10 वाट का चार्जर है सॉरी, उससे आपकी बैटरी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैटरी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी क्योंकि इसी चार्जर से मैंने ऑल द टाइम जब भी फ़ोन यूज़ करा है, जितने दिन भी यूज़ करा है, इसी चार्जर से यूज़ करा है, 1% बैटरी हेल्थ डाउन नहीं हुई है। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा, आप जिससे भी सेकेंड हैंड फ़ोन लें आईफोन 8 प्लस, उसने अगर बैटरी चेंज करवाई है तो उससे जेन्युइन एप्पल का बिल मांगें। अगर वो बिल देने से मना करता है तो आप ये मान लें कि इसकी जो बैटरी है वो लोकल तरीके से चेंज हुई है एंड आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आप उससे अगर वो देने से मना करता है तो उसको 2500 रुपये कम करके दें ताकि आप उसको एप्पल केयर से जाकर खुद बदला सकें। एंड बैटरी अगर 80% हेल्थ पर है तो ही फ़ोन लें, नहीं तो आप उसको स्किप करें या 2500 रुपये उसको कम करके दें। एंड गाइज यहीं पे आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट हुआ होगा कि नादिर भाई कैसे पता करें कि आईफोन 8 प्लस की जो बैटरी है वो ओरिजिनल है या फेक है, तो गाइज़ उसके लिए लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उस ट्रिक को अपनाकर आप पता कर सकते हैं कि जो बैटरी ओरिजिनल है या लोकल है। गाइज़ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है कैमरा। आपको आईफोन 8 प्लस में डुअल 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पहला जो कैमरा है वो एक वाइड एंगल कैमरा है f1.8 अपर्चर के साथ एंड दूसरा जो कैमरा है वो एक टेलीफोटो लेंस है f2.8 अपर्चर के साथ। गाइज यहाँ पर 57mm आपको इसमें देखने को मिल जाता है, वहीं आईफोन 7 प्लस में आपको 56mm मिलता है। गाइज यहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम है एंड 10x डिजिटल जूम है, सेम है आपको आईफोन 7 प्लस में भी मिल जाता है। गाइज यहाँ पर आईफोन 8 प्लस का कैमरा आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 4 साल बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा शार्प पोर्ट्रेट आते हैं एंड आफ्टर प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन अगर आप इसमें एडिटिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं लाइक DSLR। यहाँ पर 4K पे भी आप 60fps भी शूट कर सकते हैं, 1080p पर भी 60fps शूट कर सकते हैं, लेकिन आईफोन 7 प्लस में आप 4K पर 60fps शूट नहीं कर पाएंगे। गाइज यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए, हैव अ लुक। अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड आपको रील्स बनाने का ज़्यादा शौक है तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। आगे कुछ फोटोज आएंगे, आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इसके कैमरे से, इसका कैमरा आईफोन X एंड आईफोन 7 प्लस दोनों से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो पोर्ट्रेट का जो पीछे ब्लर इफेक्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ शॉट्स हैं, आप देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर आईफोन 8 प्लस के लुक एंड फील की बात करूँ तो अनडाउटली आईफोन 8 प्लस थोड़ा भारी फ़ोन है, इसका जो वेट है वो 202 ग्राम से। लेकिन गाइज आईफोन 8 प्लस आपको थोड़ा प्रीमियम भी देखने को मिल जाता है क्योंकि इसके बैक साइड आपको ग्लास मिल जाता है। दिक्कत बस एक बात की, अगर फ़ोन आपके हाथ से गलती से भी गिर जाता है तो उसका जो बैक ग्लास ब्रोक होने के बाद जो उसकी कॉस्ट आती है वो 7000 to 8000 आती है, अगर आप ओरिजिनल ग्लास लगवाते हैं तो। अगर लोकल लगवाएंगे तो वो 1000 में बदला जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, आपको वो प्रीमियम फील नहीं दे पाएगा। बाकी का जब आप फ़ोन हाथ में होल्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिच फीलिंग देता है, बस एक ही दिक्कत है, अगर आपकी आदत है छोटे फ़ोन यूज़ करने की तो आपको ये फ़ोन थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है एंड थोड़ा सा ये बल्की भी है। ये मैं बात करूँ पोर्ट प्लेसमेंट की तो नीचे की साइड आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, हेडफोन जैक यहाँ पर नहीं मिलता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आपको अलर्ट स्लाइडर और वॉल्यूम कीज मिल जाएंगी जो कि मेटल की हैं एंड राइट हैंड साइड आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो आपको सेकेंड जनरेशन का फिंगरप्रिंट इसमें देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है। यहाँ पर मैंने OnePlus 7T से इसको कंपेयर कर देखा था, मुझे स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें आपको कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा कि इसका फिंगरप्रिंट स्लो है। एंड गाइज यहाँ पर
आईफोन 7 प्लस की तरह ही आईफोन 8 प्लस में भी फिंगरप्रिंट को इस तरीके से इंटीग्रेट कराए जिससे लगता है कि वो एक बटन है, लेकिन वो बटन नहीं है, वो एक सेंसर है जिसके अंदर आपको वाइब्रेशन फीडबैक देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा प्रीमियम आपको ये फील देता है। गाइज यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आईफोन 8 प्लस के डिस्प्ले के बारे में। आपको आईफोन 8 प्लस में 5.5 इंच का एक फुल HD प्लस रेटिना IPS पैनल देखने को मिल जाता है जिसकी ब्राइटनेस नीट से 625। यही मैं बात करूं इसके जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 67.4% एंड यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x920 आपको इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्रू टोन का भी सपोर्ट मिल जाएगा जिसके कारण आईफोन 8 प्लस का जो डिस्प्ले वो काफ़ी ज़्यादा शार्प कलर प्रोड्यूस करता है। एंड यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं आईफोन 7 प्लस से तो आईफोन 8 प्लस का डिस्प्ले मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगता है। एंड गाइज यहाँ पर मैंने आईफोन 11 आईफोन XR भी यूज़ करके देखा है तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगा कि आईफोन 8 प्लस का डिस्प्ले आईफोन XR एंड आईफोन 11 दोनों से ज़्यादा बेहतर है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में भी आईफोन 11 और आईफोन XR का जो डिस्प्ले वो 720p है एंड आईफोन 8 प्लस का जो डिस्प्ले वो 1080p है, तो इसके कारण आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अगर आप दोनों फ़ोन एक साथ साइड बाय साइड यूज़ करके देखेंगे तो। गाइज यहीं पर बात करें आईफोन 8 प्लस की साउंड क्वालिटी की तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको इसमें साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एप्पल के स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। गाइज यहीं पर आईफोन 8 प्लस को बाद में अपडेट देकर HDR वीडियो प्लेबैक के लिए सपोर्ट कर दिया गया था YouTube की तरफ से भी, लेकिन यहाँ पर अभी शायद YouTube का कोडेक चेंज हो गया जिसके कारण अभी HDR शो नहीं करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो HDR वीडियो डाउनलोड कर आराम से iPhone 8 Plus में देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने को उसमें मिल जाएंगे। iPhone 8 Plus HDR वीडियो सपोर्ट करता है लेकिन ओनली अगर आप इसको डाउनलोड करके अलग से डालते हैं, ना YouTube ना Netflix ना Prime इन पर आपको HDR कंटेंट इस वाली डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। गाइज यही मैं बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की तो आप जैसा कि जानते हैं इसमें आपको आईफोन X की चिप मिल जाती है, तो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं इसमें गेमिंग टेस्ट करता। तो यहाँ पर मैं कुछ दिन में अभी एक और वीडियो डालूंगा जिसमें आईफोन 8 प्लस का लॉन्ग टर्म एंड डीप गेमिंग टेस्ट आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की, क्या 2021 में आईफोन 8 प्लस लेना चाहिए। तो गाइस का जवाब है बिल्कुल, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आप इस फोन को सेकेंड हैंड लेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। अगर आप इसको नया लेना चाहेंगे तो उतने में तो आपको आईफोन XR या आईफोन 11 मिल जाएगा। यहीं पर मैं बात करूं फ़ोन अगर आप लेते हैं सेकेंड हैंड तो आपको किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। एंड यहां पर मैं बता दूं जो मैंने फ़ोन लिया वो 256GB है एंड जिसकी प्राइस है 25,000। अगर आप 64GB लेते हैं तो वो आपको 23K तक पड़ जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप आईफोन 8 प्लस लेने जा रहे हैं तो 256GB वाले वेरियंट को कंसिडर करें। अगर आप 64GB वेरियंट लेते हैं तब भी उसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशन एंड बहुत सारा अपना डेटा रख सकते हैं, कोई भी ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस अगर आप ये वाला फ़ोन सेकेंड हैंड लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ताकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए। सबसे पहले आप IMEI नंबर चेक कर लें, देन उसके बाद *06# डाल के अपने फ़ोन में चेक कर लें, बॉक्स में चेक कर लें, देन उसके बाद सिम ट्रे निकालें, उसके अंदर भी आपको IMEI नंबर लिखा हुआ मिल जाता है, उससे इस चीज़ को कन्फर्म कर लें। देन गाइस यहाँ पर जेन्युइन बिल लें, बॉक्स लें, यही में क्रॉस चेक कर लें बिल और बॉक्स दोनों पर, सामने वाले से उसका ID प्रूफ ले लें, देन आईफोन 8 प्लस का कैमरा ओपन करके पोर्ट्रेट शॉट लें, नॉर्मल शॉट लें, दोनों को चेक करें। एंड गाइज यहाँ पर आईफोन 8 प्लस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो रिसीवर की आती है जहाँ से हम बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर सामने वाला आपको बोलता है तो वो सुनाई नहीं दे पाता सही से, तो आप देख लें उसका रिसीवर है वो सही है कि नहीं है। देन गाइज यहाँ पर डिस्प्ले चेक करें, इसमें आपको ट्रू टोन देखने को मिल जाता है। अगर इसमें आपको ट्रू टोन का ऑप्शन नहीं मिलता तो इसका मतलब इसका डिस्प्ले चेंज है। एंड यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देख लें, कॉल लगा के देख लें, हाथ रखें, अगर फ़ोन का डिस्प्ले बंद हो जाता है मतलब ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही है। गाइज़ यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आता है बैटरी को लेकर। बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि यार आईफोन 8 प्लस हम ले तो रहे हैं लेकिन पता कैसे करें कि इसकी जो बैटरी है वो ओरिजिनल है कि लोकल। एंड मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, तो ये रही वो प्रो टिप। आपको क्या करना है, सामने वाले से फ़ोन लेना है, कैमरा ओपन करना है एंड यहाँ पर लगातार 500 फोटोज़ क्लिक करने हैं। अगर बैटरी 1-2% गिरती है तो आप सोच लीजिएगा कि ये वाली जो बैटरी है वो ओरिजिनल है। मेक श्योर आप बैटरी परसेंटेज देख लें, अगर 80-85% बैटरी हेल्थ है और 1-2% बैटरी गिर रही है तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी ओरिजिनल है। एंड गाइज यहाँ पर अगर आपको सामने वाला 100% बैटरी हेल्थ वाला फ़ोन देता है तो सबसे पहले आप उससे एप्पल का जेन्युइन बिल मांगें, क्योंकि जब भी आप एप्पल स्टोर पर काम करवा
करवाते हैं तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल इनवॉइस मिलता है, तो आप उससे वो मांगें। अगर वो देने से मना करता है तो आप उस फ़ोन से बचें, क्योंकि उस फ़ोन की बैटरी ओरिजिनल नहीं है। एंड गाइज, ये वाली ट्रिक आप हर आईफोन लेने से पहले इसको अपना सकते हैं। iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, जो भी आप आईफोन लें, ये वाली ट्रिक अपना कर आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो बैटरी ओरिजिनल है या फेक है। एंड गाइज, फ़ोन चार्ज करके देख लें लास्ट में, मतलब वहीं पर जहाँ से भी आप फ़ोन ले रहे हैं, अगर बाहर ले रहे हैं तो कहीं पर भी सॉकेट में लगा के देख लें कि फ़ोन प्रॉपरली चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करके लेते हैं तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। एंड गाइज, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फ़ोन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करा है, एंड देन उसके बाद बहुत टाइम लेके इसका रिव्यू दिया है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेकेंड हैंड फ़ोन लेने में तो दी स्ट्रीट मोबाइल करके पेज है इंस्टाग्राम पर, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे जेन्युइन सेकेंड हैंड फोन्स मिल जाएंगे। एंड गाइज, यहाँ पर चैनल पर iPhone XR वर्सेज iPhone X का वीडियो डला हुआ है, iPhone 7 Plus का लॉन्ग टर्म डला हुआ है, iPhone X का लॉन्ग टर्म डला हुआ है, अगर आप चाहें तो उनको जाकर देख सकते हैं। आपका कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाते वक्त आप एक कमेंट करें 742, ये वाला नंबर कमेंट करें, इसका मतलब ये है कि इससे मुझे पता चल जाएगा कितने मेरे यूज़र्स हैं जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।